ऑन एंड शायद 3 स्टार भी हो सकता है। इनफैक्ट सारे ट्रूप्स उधर जल्दी से चले गए, एक जंप स्पेल अपना है, अगर क्वीन जल्दी निकल गई वहां से ये 1-2 सेकंड और पहले होता तो जंप स्पेल से। What's up guys, welcome back to another episode of Clash of Clans। हम लोग बहुत दिनों बाद Clash of Clans खेल रहे हैं, but because बीच में हम लोग का शूट था DKNM का, उसके बाद गोवा, फिर मुंबई, फिर वापस से यहाँ पे आए हैं हम दिल्ली, और बीच में अभी Elite Custom भी हम लोगों ने अभी स्टार्ट करे, सो टाइम ही नहीं मिला खेलने का। बट उसके पहले Clash of Clans में अगर आप 15-20 दिन बाद आओ तो एक ना एक अपडेट आ ही जाता है। मैंने ऑटो अपडेट के बाद देखा यहाँ पे ये ग्लोई लैंटर्न यहाँ पे आ चुका है। अब पता नहीं ऑब्स्टेकल, ओके सो रिमूव करने के लिए भी यहाँ पे हमें 7777 एलेक्जर लगेगा यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए भी। बाकी और तो कुछ अपडेट आए नहीं है। बाकी हमारे रिसोर्सेज हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, 2400 फुल था वहाँ पे, थोड़े बहुत नहीं कुछ ज्यादा ही लूट लेके गए होंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट 10-15 दिन यहाँ पे ये हमारा डिफेंस लॉग भरा रहेगा, उससे 6.5-8 लाख की भी लूट लेके गए हुए ये लोग। बाकी इलेक्ट्रो ड्रैगन आजकल लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बोलर्स भी इतने यूज नहीं कर रहे। बाकी इलेक्ट्रो ड्रैगन एयर अटैक्स कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे, वेलकरीज अभी भी यूज होती है, बोलर्स देख रहे हैं वापस, फिर इलेक्ट्रो ड्रैगन बहुत है। और बाकी ये गॉब्लिन्स कोई फार्मिंग भी कर रहा था, पुराने दिन याद है जब हम 200 गॉब्लिन लेके जाते थे, सिर्फ बेस के पूरे सराउंडिंग्स में डालते थे, सारा रिसोर्सेज वो कलेक्ट करके आते थे, अगर सारे हमारे जो कलेक्टर्स है वो बाहर है। सो आज के फर्स्ट अटैक के लिए चलते हैं हम लोग, और हमारी आर्मी पूरी पूरी रेडी है, हमारे हीरोज भी रेडी है, सारी चीजें, बट क्लैन कैसल ट्रूप्स हमारे पास नहीं है। ओके सो और हमारा क्लैन जो हमारा था पबजी के नाम का, मामा ने बोला था क्लैन बनाओ और मैंने बना दिया था, कुछ लोग ज्वाइन करे थे बाकी फिर चले गए। सो आई नीड अ डेस्परेट क्लैन बिकॉज मेरे को डोनेशन चाहिए रहती है अपनी जो भी नॉर्मल अटैक्स हो उसके लिए, और मेरे को कुछ ज्यादा डोनेट ना करना पड़े बिकॉज मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। ये तो क्लैन मैं छोड़ दूंगा अभी फिलहाल, बाकी इस वाले वीडियो के बाद आप मेरे को इनवाइट भेज सकते हो अगर आप 10 या तो उसके अबव अगर आपका क्लैन है तो। अनरैंक्ड ऑब्वियसली मैंने खेला ही नहीं है कोई मैच यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ये है अपना टैग, हैशटैग 2GLP2LGVG। एक ये वाला बेस मिला अपने को, बट इसमें कुछ ज़्यादा गोल्ड और एलेक्जर नहीं बना तो इसमें टूट पड़ता बिकॉज डार्क एलेक्जर इसमें बहुत है, बट नॉर्मल गोल्ड और एलेक्जर इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला बेस में हम लोग अटैक कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा अच्छे डिफेंसेस भी नहीं है, और नया नया सा काइंड ऑफ इसने रश करा हुआ है बेस। सो ऊपर से हम लोग अपनी क्वीन वॉक स्टार्ट करेंगे। बाय द वे हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो डाली थी क्लैश ऑफ क्लैंस की, क्या रिस्पॉन्स दिया था आप लोगों ने, और कंटेंट इस गेम में अभी भी जिंदा है, बट अभी देखते हैं इसको एक्सप्लोर करते हैं। और मेरे को एक बार तो आप रिक्वेस्ट भेजो अपने क्लैन में, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते। एंड आई वॉज सरप्राइज कि अभी भी इतने लोग खेलते हैं, एंड हमारे ग्रुप है चिल जोन करके, वहाँ पे मैंने पूछा था लोगों से कि कौन कौन यहाँ पे COC खेलते थे। सो बहुत सारे पबजी के प्लेयर्स पहले क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते थे, सो आई वॉज लाइक इस गेम की भी इतनी ऑडियंस थी पहले, खेलने वाली भी और देखने वाली भी। अब एक रेज स्पेल यहाँ पे अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक रेज स्पेल अब यहाँ पे डाल देते बिकॉज अब बहुत सारे यहाँ पे डिफेंसेस है जो टारगेट करेंगे क्वीन को। अब तो ये ओके कैनन गया यहाँ पे, दैट वाज एन एडवांटेज। अभी हमने अपने को कोई रेज स्पेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 3 या 4 वॉल पेकर जो कि अंदर वाली लेयर तक क्लीन करेंगे। एक बेबी ड्रैगन, फिर सारे बोलर्स, लेट्स गो। फनल अच्छा हो गया, क्वीन वहां से अंदर चली गई यार, बट वहां पे दिक्कत एक ही है कि सिंगल टारगेट इन्फर्नो मेरे को टाइम पे। ओके नाइस, बोलर बस थोड़ा सा अंदर चले गए, सही अटैक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें बार बार की भी लूट मिल जाए यहाँ पे तो भी बहुत है अभी फिलहाल, इसको तो मेरे को वो करना पड़ेगा फ्रीज। अपने 2 गोलम इधर ही चले गए, पीछे ही अटके रह गए, क्वीन को थोड़ा सा अगर बीच में जो सिंगल टारगेट इन्फर्नो थे वो दिक्कत देगी कि क्वीन की एंट्री में जो सेंटर में कराने की कोशिश करता वो नहीं हुई। बाकी यहाँ पे लूट परफेक्ट मिल चुकी है, 4,70,000 गोल्ड है, 4,50,000 यहाँ पे एलिक्सर है, 4,000 का हमारे को यहाँ पे डार्क आर्मी बन गई क्या, कितनी हो गए। अरे यार मैं किंग को बूस्ट करना भूल गया, किंग और क्वीन को, शर्ट 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 हीरो हीलिंग को भी 5 जेमी तो लगते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जेम बॉक्स को निकालो, 25 जेम्स मिलते हैं इसमें से। और एक और चीज़ लास्ट वाले अपने अटैक में
इतने कट रहेंगे, इतने कट रहेंगे, मतलब इतना टेरिबल अटैक करा था मैंने, बहुत दिनों बाद करा था तो टेरिबल तो रहेगा ही। अपने पास इसमें भी पड़ा हुआ ना ट्रेजरी में, हाँ 3 लाख इसमें भी वो पड़ा हुआ है गोल्ड एलेक्सर, और 1300 डार्क भी पड़ा होता है इसमें। बाकी यहाँ पे भी 20-20 लाख तो यहाँ पे भी पड़े हुए, 4000 का यहाँ पे डार्क एलेक्सर भी पड़ा होता। आधी आधी स्टोरेज तो ऐसे ही भर जाती है, 2-3 अटैक करो भर जाती है स्टोरेज। पांचों बिल्डर्स अपने अभी खाली पड़े हुए हैं, बाकी अभी मैं कुछ अपग्रेड करना नहीं चाहता जब तक अपने अच्छे खासे रिसोर्सेज हो नहीं जाते। बाकी मेन मेन बिल्डिंग्स हम लोग कर सकते हैं, आर्चर टावर है 5 करने हैं, बॉबर टावर को भी, तो धीरे धीरे करके इसको करेंगे अपग्रेड। आई डोंट वॉन्ट टू अपग्रेड माई टाउन हॉल टू टाउन हॉल 13 जो कि अभी नया आया है फिलहाल। तो अपने को ये वाला बेस मिला, मेरे ख्याल से वाले बेस पे हम लोग आराम से अटैक कर सकते हैं, अच्छा खासा अपग्रेडेड बेस है, बट थोड़ा ओपन बेस है तो इसमें ना बोलर्स अच्छा खासा फैल के जा सकते हैं। तो कहाँ से करें, एयर डिफेंस चारों साइड है, इट इज सिमेट्रिकल, बट यहाँ पे थोड़े से डिफेंसेस अपग्रेड में लगे हुए, सो यहाँ पे करते हैं हम लोग अटैक। क्वीन दो वॉल ब्रेक, यस वॉल ब्रेक हो चुकी है। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वीन को टाइम देंगे कि एक साइड का, कोई भी एक साइड का यहाँ पे कंपार्टमेंट खाली करे अपने लिए। हम लोग एक रेज स्पेल शॉर्ट भी है बिकॉज हमारे पास क्लैन कैसल से जो एक रेज स्पेल मिलता है उससे हम लोग एटलीस्ट एक क्वीन को रेज दे सकते थे, दैट वाज अ फ्री रेज, बट कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं गोलम, दो यहाँ पे एक और जस्ट इन केस विजार्ड, यहाँ पे ग्रैंड वार्डन करते हैं, यहाँ पे क्वीन के साथ एक रेज स्पेल, बाकी बोलर्स डालेंगे हम लोग यहाँ से। ये मेरे ख्याल से अच्छा अटैक जाएगा ये वाला, आई गेस सो। बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, एक हील स्पेल। इस बार गोलम अच्छा खासा हमारे ट्रूप्स को टैंक कर रहे हैं यहाँ पे। एक हम लोग यहाँ पे डालेंगे फ्री स्पेल, इस साइड पे बोलर्स को, ओके नाइस 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 अटैक। बट एक ये वाला मल्टी टारगेट इन्फर्नो दिक्कत दे सकता है इस वाले अटैक पे, उधर तो किंग तो खा जाएगा। अगर एक बार एयर डिफेंस खत्म हो जाए वहाँ पे मैं बेबी ड्रैगन डाल सकता हूँ। बाकी यहाँ पे एक और हील्स पे जस्ट इन केस अपने हीलर्स को हील करने के लिए, ओके अब यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ अपना बेबी ड्रैगन। इनको जंप कराने के लिए बाकी ईगर आर्टिलरी उसके ऊपर लॉक द किंग के ऊपर, मेरे को चाहिए नहीं कि किंग की एबिलिटी मैं जल्दी यूज़ करूँ। ईगर आर्टिलरी निकल चुकी है, नाइस। जैसे मल्टी टारगेट इन्फर्नो पहले निकल जाता ना तो सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाती। अब उसकी प्रॉक्सिमिटी में आ चुका है, अब ये कि इलेक्ट्रिक स्टोरेज यहाँ पे अच्छा हुआ कि हमारे बेबी ड्रैगन ने निकाल लिया, सो वहाँ से थोड़ी बहुत हमें और लूट मिल चुकी है। तो 3 स्टार नहीं हुआ बट स्टिल लूट हमें और पूरी की पूरी मिल चुकी है यू कैन से, बिकॉज 44,000 का एलेक्सर का क्या ही है। बट अभी भी क्वीन जिंदा है सो ये वाला स्टोरेज तो हमें मिल ही सकता है पूरा के पूरा, सो आई एम पुटिंग दिस एबिलिटी ऑन एंड शायद 3 स्टार भी हो सकता है। इनफैक्ट मैंने एबिलिटी थोड़ी जल्दी ही पॉपअप कर दी है, बट हो जाएगा 3 स्टार आई थिंक अगर सारे ट्रूप्स उधर जल्दी से चले गए। एक जंप स्पेल अपना है अगर क्वीन जल्दी निकल गई वहाँ से, बट ये एक एयर स्वीपर दिक्कत देगा। यहाँ पे जंप स्पेल ख़त्म हो गया यार, ये 1-2 सेकेंड और पहले होता तो जंप स्पेल से क्वीन बाहर आ जाती। 21 सेकेंड है बट यहाँ पे वार्डन जा चुका है, किंग भी आ रहा है, तो मेरे ख्याल से 3 स्टार इजीली हो जाएगा। 3 यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स बचे हुए, सिर्फ 3, एक डिफेंस और एक अपना डार्क एलेक्सर करेक्टर, मेरे ख्याल से हो जाएगा 3 स्टार। लेट्स गो, नाइस। स्टार्टिंग में लगा कि यार वो जंप स्पेल अगर पहले थोड़ा सा और होता, ऊपर से अपने को बोनस भी इस वाले में मिला अच्छा खासा सा, 1,60,000, That's a good one. बाकी मैंने बुकमार्क कर रखी यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट एंड लीव क्लान, बट उनकी सारी उन सबकी यहाँ पे ज्वाइन रिक्वेस्ट, ओके यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हम लोग। ऐसे मैं मोस्टली यही करता हूँ, रिक्वेस्ट एंड लीव क्लान में जाता हूँ और यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ तो कुछ भी मिल जाता है, एटलीस्ट रैंडमली कुछ तो होता है। अब इन लोगों ने क्या दिया मेरे को, माइनर दे दिए, बारबेरियन दे दिए और स्पेल के नाम पे पता नहीं क्या दे, और यहाँ से लीव करना पड़ता है जल्दी वरना कि ये लोग किक कर देते तो फिर वो कूल डाउन पीरियड के लिए रुकना पड़ता है। सो हमें एटलीस्ट ये रैंडम चीज़ें मिल गया, 6 माइनर बहुत होते हैं अगर कोई नॉर्मल अटैक की हम बात करें तो बोलर्स के साथ एटलीस्ट मेरे पास माइनर्स रहेंगे। यहाँ पे एक डार्क एलेक्सर का ये कौन सा नया स्पेल है, यहाँ से कोई स्केलेटन्स निकलते हैं कि ये मेरे ख्याल से वही वाला है, मैं भूल गया हूँ उस टाइम पे पता नहीं था नहीं था जब मैं खेलता था, बट ये माइनर अपने को काम आएंगे इस वाले अटैक में। सो रैंडम चीज़ें एटलीस्ट हम लोगों को मिल जाते हैं रिक्वेस्ट एंड लीव क्लान में। 3 स्टार अभी यहाँ, ये वाली लूट भी अच्छी है यार,
ऐसा नहीं है कि नहीं है ब्रो, इसमें बस गोल्ड कम है, बट एलेक्जर पूरा है, डार्क एलेक्जर भी पूरा है, और बेस भी ऐसा है हल्का सा TH-13 इस बंदे ने वो कर रखा है, रश कर रखा है, और भाई इस बंदे ने इन्फर्नो के सारे ऊपर लगा रखे, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हम लोग एंट्री कराएंगे, पहले हम लोग सारे इन्फर्नो क्लियर करेंगे फिर नीचे आएंगे। एक विजार्ड यहाँ पे, रेज स्पेल की ज़रूरत ना पड़े तो ही बेहतर है अभी फ़िलहाल। अब पड़ेगी रेज की ज़रूरत, लेट्स गो। ऊपर की साइड से हम लोग गोलम की भी एंट्री करा दे हैं, दो मोटे सांड की बोलर्स, लेट्स गो बिचेस, गो जो 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 जो। यहाँ पे बेबी ड्रैगन अभी तो फिलहाल यूज नहीं करेंगे हम लोग। क्वीन, नो आई डोंट वांट यू टू डाई क्वीन। अरे जल्दी आओ रे, जल्दी आओ रे, बहुत प्यार से थ्री स्टार हो गए ब्रो, बहुत प्यार, बहुत प्यार से होगा ब्रो। यहाँ पे मैं एक बेबी ड्रैगन डाल देता हूँ लेफ्ट साइड से, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है या तो फिर कोई भी कलेक्टर है, उन पर डाल देते हैं। किंग की एबिलिटी, यहाँ पे एक और बेबी ड्रैगन, थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा। बस क्वीन ऊपर बनी, नीचे है, ऊपर एक टांग तो है अपने पास, एक गोलम क्वीन आ रही है पीछे पीछे से, इनको हील करेगा। यहाँ पे एक हीलर यहाँ पे डाल देते, वैसे मैं सारे ट्रूप्स यूज कर ही देता हूँ, बाद में काम करना पड़े उससे बेटर तो यही करे। अरे नहीं, पहले नाइस स्केलेटन अच्छा हुआ, थोड़ा लेट है भाई, बट ये कुछ ज़्यादा ही बेटर नहीं लग रहे, ये एनिमेशन जरूर ज़्यादा ही बेटर लग रही है। एन एक्सैक्ट इंडियन फाइटर, इंडियन फाइटर ब्रो, क्या लिखे हो, क्या लिखे हो, मज़ा आ गया। फाइटर, इंडियन फाइटर, शाउट आउट टू यू। 6000 का यहाँ पे हमारे को डार्क मिला है, एलेक्जर अच्छा खासा मिल गया, गोल्ड भी मिला है इसमें 3,20,000, ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत बोनस ने कवर कर लिया। सो हमारे पास अभी ओके 5.5 तो 6,00,000 यू गेट्स है यहाँ पे हमारे पास, अभी कैसल में भी बड़ा हुआ है। अभी हम लोगों ने 3 अटैक करे, हमारी स्टोरेज ऑलमोस्ट हाफ फुल होने आई है, हाफ फुल, ऑलमोस्ट हाफ फुल क्या होता? और अच्छी बात पता है क्या थी इस वाले अटैक में, हम लोगों को माइनर्स यूज ही नहीं करने पड़े, मजे की बात है। वो तो लेट लो डिफेंस था, बट स्टिल ये माइनर्स हम लोगों के अब डिफेंस में काम आएंगे। सो गाइज, दैट वॉज द फाइनल अटैक ऑफ द डे, आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड इट। इफ यू हैव एंजॉयड इट, मेक श्योर द लाइक बटन, एंड क्लैन में इन्वाइट करना जरूरी है, बिल्कुल अभी के अभी जाके इन्वाइट करो। यहाँ पे ये है हमारा टैग, 18 है इसका यूजर नेम, 207 वाला लेवल होगा, यहाँ जाके इन्वाइट करो, एंड आई विल बी इन योर क्लैन। अगर आप मुझे अनलिमिटेड डोनेशंस दे सकते हो, या तो विजार्ड, या तो गोलम, या तो बोलर्स, बोलर्स बेस्ट रहेंगे, जो बोलर्स मेरे को डोनेट कर सकते हैं। सो दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो, आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड इट। लाइक करना मत भूलना, जो भी क्लैश ऑफ क्लैंस के प्लेयर्स है लाइक कर देना, जो भी प्लेयर क्लैश ऑफ क्लैंस से पबजी में अगर एक बार शिफ्ट हुआ है वो एक बार मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना बिल्कुल भी, बिकॉज मेरे को देखना है कि कितने प्लेयर शिफ्ट हुए, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सारे हुए, बिकॉज हम लोगों ने जब ग्रुप पर बात करी तो इट सीम्ड लाइक कि हाँ मैक्सिमम प्लेयर्स यहाँ पे COC के पबजी में शिफ्ट हुए, बिकॉज इट वॉज अ मोबाइल गेम, सो नेचुरल था वो शिफ्ट होना। बट दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को फॉर मोर COC वीडियो। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड लाइक बटन दबाना मत भूलना ताकि मैं ये सीरीज कंटिन्यू कर सकूँ, बिकॉज दैट इज द ओनली वे कि मेरे को पता चल रहा है कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रही है चीज़ें, एंड वो सीरीज कंटिन्यू करूँ। सो लाइक बटन दबाना मत भूलना, 10K लाइक्स का हम लोग इस वाले में एम रखते हैं, मेरे को पता ही नहीं होने वाला, बट स्टिल 10K लाइक्स का एम है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।